नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड। और क्योंकि संवाद है ही हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी बातों से चर्चाएं हैं, तो इस बारे में बात करनी ही चाहिए। ठीक है साहब। और आज का वीडियो, आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आइए खेल के कुछ नियम तय कर लेते हैं साहब। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अगर साहब मैं इतना लंबा वीडियो बनाने की मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें और वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे को फायदा होगा या नहीं होगा, पर आपको देखने का फायदा जरूर होगा। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग योर टाइम, नॉट वेस्टिंग योर टाइम। दूसरी चीज साहब, मैं जो भी बात कह रहा हूं वो अथॉरिटी से कह रहा हूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कहने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद इंश्योरेंस एजेंट LIC के साथ एज एन इंश्योरेंस एजेंट और एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम किया है कई साल। तो जो भी मैं जानकारी देने वाला हूं उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगे। अगला रूल साहब, अगर मैं समस्या की बात करूंगा तो समस्या के हल का समाधान की भी बात करूंगा। केवल समस्या की चर्चा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। समस्या का समाधान निकालना जरूरी है। इसलिए भी मेरा निवेदन है कि यदि आप निवेदन नहीं है साहब, सुझाव है, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना कोई गम नहीं है। सुझाव है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, फायदा होगा। अगली जरूरी बात, हाफ कुक्ड इज अनकुक्ड। आधी अधूरी जानकारी से नुकसान ही होता है। तो वो जो भागते हो ना साहब वीडियो देखते वक्त, वो गलती मत करना, पूरा देखना समझना। इससे भी काम की एक और बात साहब, मेरा एक वीडियो है फंड्स मैनेजमेंट के ऊपर। वैसे तो वो 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड था, पर क्योंकि इसी वीडियो के साथ उस जानकारी का होना आवश्यक है, तो मैं उसे आज ही पब्लिश कर दूंगा आप सबके फायदे के लिए। तो साहब देखना या ना देखना, ये तो अब मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो साहब संवाद आज का शुरू करते हैं, चर्चा आज की शुरू करते हैं। Why insurance is a wrong product? Let's be very honest, I am not offending any insurance company or an insurance agent. I am just putting up my point of view, a view of, क्या बोलते हैं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मानना ना मानना, समझना ये आपके ऊपर है। अब साहब समझिएगा कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट है क्या। इंश्योरेंस का साहब बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि एक पूल ऑफ फंड्स को क्रिएट किया जाए टू कवर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। साहब मैं वीडियो बहुत लंबा बनाने वाला हूं, अभी से पहले मैंने कभी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया, तो अगर बीच बीच में मुझे पानी पीने की या सोडा पीने की जरूरत पड़े तो क्षमा कीजिएगा। तो साहब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट किया जाता है, दैट इज द इंश्योरेंस। उस पूल में हर पार्टिसिपेंट एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, That is known as the insurance premium. हर कोई छोटी छोटी रकम डालता है, बड़ा पूल बन जाता है। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, whoever is covered or insured, उसको उस पूल में से उस
इंश्योर्ड अमाउंट दे दी जाती है। दिस इज हाउ इंश्योरेंस वर्क। और जो बाद में अनक्लेम्ड पैसा बचता है, इकट्ठा होता है, वो उसमें से कंपनियों की कमाइयां और जो आपको बोनस मिलता है वो सब उसका उसी अनक्लेम्ड बोनसेस में से, अनक्लेम्ड अमाउंट्स में से मिलता है। ये तो इन प्रिंसिपल है जो होना चाहिए। अब होता क्या है साहब, जनरल इंश्योरेंस में साहब बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस दोनों को कवर करके चलूंगा। जनरल इंश्योरेंस में साहब बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। व्हीकल्स की इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, इसके अलावा बेहिसाब इतने प्रोडक्ट्स हैं जनरल इंश्योरेंस में कि आप हैरान रह जाओगे। अब साहब जो कार की या गाड़ी की या स्कूटर की जो हमारी इंश्योरेंस होती है, बाइक की, अब तो स्कूटर रहा नहीं ना साहब, बाइक की जो इंश्योरेंस होती है उसमें प्राइमरली दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इज थर्ड पार्टी, जिसको कि हम एक्ट भी कहते हैं, दैट इज मैंडेटरी बाय लॉ। ठीक है, वो क्या कवर करती है कि कोई एक्सीडेंट अगर व्हीकल ओनर से होता है और उसके एक्सीडेंट होने से अगर कोई लीगल क्लेम उस व्हीकल ओनर पर आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करती है। दिस इज कॉल्ड द एक्ट और द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसके अलावा साहब कुछ और पार्ट्स होते हैं जो कि जिसमें फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, राइट्स के अंदर कुछ नुकसान होना, इस तरह के कई छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। प्राइमरली दिस पार्ट इज ऑप्शनल। ठीक है, अब होता क्या था साहब, होता यह था साहब जब स्कूटर की इंश्योरेंस होती थी तो 70-80 रुपए में स्कूटर की इंश्योरेंस थर्ड पार्टी हो जाया करती थी। बाकी की गाड़ी की वैल्यू को लगाकर और उसकी एक्सीडेंटल और वो सब मिला के जहां तक मेरे को याद है 329 रुपए में स्कूटर की इंश्योरेंस हो जाती थी। कुछ ही सालों में वो 1000 रुपए से कुछ ऊपर चली गई। चलिए चली गई, कोई बात नहीं। इसी तरह कार की जो थी वो 3200 की थी जो कि 6500 से 10,500 के बीच में चली गई। एंड ऑब्वियसली कार की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली वो और ऊपर नीचे जाती रहेगी। मैं सेम कार ब्रांड, मतलब मैं मारुति 800 की बात कर रहा हूं और बजाज चेतक के स्कूटर की बात कर रहा हूं। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके चला कि ये दो रकम मैंने वहां से बताई आपको। ठीक है जी, अब तो बजाज चेतक भी नहीं रहा, मारुति 800 भी रहा। पर खेल इसके बाद इंटरेस्टिंग शुरू हुआ। ये जो प्रीमियम बढ़े ये उस जमाने के थे जब प्राइवेट प्लेयर्स बाजार में आने की चुपचाप तैयारी कर रहे थे और फिर एक्चुअली में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। अब साहब प्राइवेट प्लेयर्स ने एक खेल देखा कि यार ज्यादातर लोग ना थर्ड पार्टी करा लेते हैं और दूसरी बाकी की इंश्योरेंस कराते नहीं, तो उन्होंने साहब थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ा दिया, उस कंपोनेंट को इतना बड़ा कर दिया कि बाकी का कंपोनेंट छोटा कर दिया। अब हर कोई मैंडेटरली फुल इंश्योरेंस करवाने लग गया। ये आज की हकीकत है। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनीज ने आपको फोर्स किया कि मैं केवल थर्ड पार्टी ना लेकर आपको फुल इंश्योरेंस खरीदनी पड़े। उसका फायदा या नुकसान हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, इट वॉज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंडेटरी बाय लॉ। और बाकी का खेल उन्होंने क्या किया साहब कि नो क्लेम बोनस के नाम पर आपको कलाकारी करवाई। वो कैसे करवाई वो मैं अब दिखाने वाला हूं साहब। अब साहब इसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रहा हूं पर इसमें आप जनरल इंश्योरेंस का भी थोड़ा थोड़ा सा झलक ले पाएंगे। अभी साहब हुआ क्या, हाल फिलहाल हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई गाड़ी ली और बड़ी खुश होकर वो मेरे को बता रहे
कि देख भाई मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना उस पर डे वन से 50% नो क्लेम बोनस है, कि मान लीजिए लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो वो नो क्लेम बोनस 50,000 का डे वन से है, तो 1.5 लाख की मेरी इंश्योरेंस है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, बड़े खुश थे कि हाँ भाई क्या बढ़िया मेरे को एक पॉलिसी मिल गई है। मैंने एक ही सवाल पूछा, साहब अगर क्लेम लेना ही नहीं है तो वो 50% अबव होता है या 100% अबव होता, उसमें फर्क क्या पड़ना था? एंड ही गॉट नो आंसर। कहने का एक ही छोटा सा मतलब है साहब कि बेसिकली नो क्लेम बोनस है क्या। नो क्लेम बोनस ना एक तरह से एक पैसिफायर, निबलर्स होते थे ना बच्चों को, जिसको हम शहद वाले निप्पल कहते हैं, एक शहद वाला निप्पल साहब बच्चों आपके मुंह में डाल दिया है नो क्लेम बोनस के नाम पे। ना तो पेट भरे ना भूखे रहो, ना पेट भरे ना भूखे रहो, बस मुंह में डाले हुए चूसते रहो, ये नो क्लेम बोनस है। टेक्निकली आपको वो एक फील गुड फैक्टर बेच रहे हैं एक सही प्रोडक्ट बेचने की बजाय, समझिएगा। अब होता क्या है, क्योंकि नो क्लेम बोनस की वजह से लोग क्लेम लेते नहीं कि यार नो क्लेम बोनस ना खराब हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो है उनके नंबर ऑफ क्लेम्स कम होने लग गए। और अगर आप टोटल इंश्योरेंस कितनी लोगों की होती है और उसमें कितने क्लेम आते हैं, सो इट बिकम्स अ नेग्लिजेबल अमाउंट ऑफ क्लेम्स दैट कम, एंड अल्टीमेटली वो जो पूल ऑफ फंड्स है ना वो इंश्योरेंस कंपनीज का या प्राइवेट प्लेयर्स का बड़ा होता जा रहा है, मींस मोर प्रॉफिटेबिलिटी। पर साहब टेक्निकली ये एक साइड है, बाकी साइड्स को और देखते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड्स में हो क्या रहा है। अब साहब टेक्निकली जब नो क्लेम बोनस आप फाइल कर रहे हैं तो आप बेसिकली जब आप नो क्लेम बोनस ले ही नहीं रहे तो बेसिकली यू आर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फीलिंग, दैट आई एम इंश्योर्ड। अगर आप क्लेम ले ही नहीं रहे या ना के बराबर ले रहे हैं तो आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं टू हैव द फीलिंग और द सेटिस्फेक्शन कि आई एम बीन इंश्योर्ड, मेरी इंश्योरेंस हुई हुई है। यू आर बीइंग, ये मैंने पॉइंट लिखा है, यू आर बीइंग, और एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो जब आप नो क्लेम बोनस के तरफ भागते रहते हो, कि आप एक्चुअल खर्चा भी कर रहे हो बीमारी का और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे कर रहे हो। ठंडे दिमाग से सोच के देखना साहब, मैं क्लेम नहीं लेता कि मेरा नो क्लेम बोनस खराब ना हो जाए, तो मैं बीमारी का खर्चा भी खुद वहन करता हूं और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी खुद वहन करता हूं। डबल मार मारता हूं अपने आप को, बस मुझे एहसास नहीं होता। आगे चलिए, अब मान लेते हैं साहब भगवान ना करे पर जरूरत पड़ गई आपको क्लेम की, हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जांपल से बात कर रहा हूं तो उसी से हम बात करेंगे, मजा आएगा आपको सुन के समझ के। कि अब साहब टेक्निकली मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया एंड इट्स अ कैशलेस पॉलिसी, वाव कैशलेस पॉलिसी। पर होता क्या है साहब, जैसे ही आप मरीज को अस्पताल लेके जाते हैं पहले कहते हैं इतने पैसे जमा कराओ, ऐसा ही होता ना, इतने पैसे जमा कराओ फिर एडमिशन होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपको बाद में क्लेम लेना है तो अभी बताना, मैंडेटरी है।
अभी बताना मैंडेटरी है कि मैं बाद में क्लेम लेने वाला हूं। ठीक है, पूछते हैं आपसे, हाँ जी कोई इंश्योरेंस है, कोई मेडिकल क्लेम है, कुछ है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपका भगवान ना करे पर हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा है ही जहां कभी ना कभी जरूरत पड़ ही जाती है, आपने कभी मेडिक्लेम लिया है, तो साहब होता क्या है, हर बीमारी के लिए एक अलॉटेड अमाउंट है कि अगर ये बीमारी है तो इसके लिए ये पैसा दिया जाएगा, और उस पैसे का भी एक बाइफरकेशन है कि इसमें डॉक्टर की फीस इतनी होगी, इसमें दवाइयों का इतना होगा, इस रूम रेंट का आप रूम ले सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, और आपसे पैसा तो इनिशियली डिपॉजिट करवा लिया जाता है और साथ में आपसे हर कुछ दिनों में पैसे और मांगते रहते हैं, हर दो तीन दिन के बाद, भाई साहब इतने और जमा करा दो, इतने और जमा करा दो, और आपको कह दिया जाता है भाई साहब ये तो सब रिफंड हो जाएगा आखिर में, टेक्निकली ऑल दिस विल बी रिफंडेड बैक जब आप डिस्चार्ज होते हैं। चलिए साहब अच्छी बात है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता ये है साहब कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जहां पर आप एडमिट हुए हैं उसको पता है कि इतना ही क्लेम आना है, वो उसको पूरा पूरा सैचुरेट कर देते हैं, खा जाते हैं पूरा। खा जाना गलत वर्ड है पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए 20,000 का वो आपको इंश्योरेंस मिलनी है, क्लेम मिलना है, तो वो पूरा 20,000 का आपका बिल बना देते हैं। एक्चुअली 20 का नहीं बनाते, 20 से ऊपर का बनाते हैं। ठीक है, और जिस दिन आपको डिस्चार्ज करना होता है साहब, अब उस दिन क्या होता है, उस दिन का जरा नजारा याद करो, भगवान ना करे कोई आपके घर में रहा हो और आपको एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, तो उस दिन का होता क्या है, सुबह 10 बजे या 9 बजे 8 बजे डॉक्टर आएगा, जी ठीक है जी आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जी, ठीक है जी, और अब आपका, अब वो डिस्चार्ज का एक प्रोसेस शुरू हो गया साहब। कोई एक ऐसा बंदा मुझे बताओ जो शाम को 3-4 बजे से पहले फ्री हुआ हो, 3-4 बजे तक आप होटल ही है अब तो, अस्पताल 5-star होटल से कम नहीं हुए, ठीक है ना, अस्पताल के आप काउंटर पे बार बार चक्कर काटते रहते हो, भाई साहब मेरा क्लेम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, और वो जो आपकी इज्जत अफजाई करते हैं ना उस वक्त, और आप सोचते हो ये सर्विस इंडस्ट्री है या कौन सी इंडस्ट्री है। एक्चुअली इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन हैज टू बी अ सर्विस इंडस्ट्री, बट डू यू रिमेंबर हाउ दे ट्रीट यू व्हाइल यू आस्क फॉर योर ओन मनी, क्या इज्जत अफजाई होती है आपकी उस वक्त, कभी याद है? और आप ऐसे पूछ रहे थे सर मेरे क्लेम का क्या हुआ, सर सर आया कि नहीं आया, सर कमाल है यार, ये कौन सी कैशलेस इंश्योरेंस है जिसमें सारा पैसा मैं देता हूं पहले और उसके बाद मैं खुद अपना पैसा रिफंड लेने के लिए भिखारियों की तरह बार बार पूछता रहता हूं। चलिए वो भी हो गया, फिर साहब आपका फाइनली 3-4 बजे डिस्चार्ज का टाइम आ जाता है, उस वक्त एक प्रेम पत्र आपके हाथ में दिया जाता है कि साहब ये देखो ये तो आइटम्स ना इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, ये तो एक्स्ट्रा बिल हो गया, रूम रेंट आपको अलाउड इतना था और ये तो एडमिशन करते वक्त ही वो कहते हैं जी अलाउड तो इतना है पर इस वक्त तो रूम यही वाला अवेलेबल है, तो वो डिफरेंस वो आपसे ले लेते हैं। कहने का मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट में से काट के और आपके हाथ में एक सुंदर सा चेक दे देते हैं एक फील गुड फीलिंग के साथ कि अरे यार अच्छा हुआ मैंने इंश्योरेंस करा ली, ये पैसे तो वापस आ गए वरना ये भी लग जाते, और आप बड़े खुश हो, वाह यार वाह क्या इंश्योरेंस सिस्टम है कि ये मेरे पैसे लौट आए, नहीं तो मेरे ये भी लग जाते। साहब मेरे को 2-3 मेरे सवालों का जवाब दो, ये कौन सी कैशलेस इंश्योरेंस है,
जहां पूरा पैसा नहीं, एक्चुअली आपका जितना बिल बनना होता है ना, उससे भी कुछ ना कुछ ऊपर चुपचाप हॉस्पिटल आपसे खींच के रखता है पैसा, ताकि बाद में क्लेम कोई बिल बनते वक्त ये आफत ना हो कि भैया इतने तुमने और देने हैं, हमने अस्पताल ने वापस देने होते हैं, हमने जो देने होते हैं वो हमसे पहले खींच चुके होते हैं। ये कौन सी कैशलेस है, किस तरह का ये सर्विस सेक्टर है साहब, कहां है वो सर्विस? मतलब हमने इस गिरे हुए स्तर को ही सर्विस मान लिया। मैं बैंक में जाता हूं तो अपने बैंक मैनेजर की मिन्नत करता हूं, ठीक है, जो कैशियर डिपॉजिट एक एक की मैं मिन्नत करता हूं, साहब ये कौन सा सर्विस सेक्टर है? दे आर माई सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैं किस तरह से उनसे काम लेता हूं जैसे मैं किसी सरकारी महकमे में काम लेता हूं। कमाल है भाई, अजीब सा सर्विस सेक्टर है, हमने तो कुछ अजीब अजीब सर्विस सेक्टर का वर्ड हमें नहीं पता, या हमने अपने आप को इसी को आधार मान लिया कि सर्विस इसी को कहते हैं कि इज्जत भी उतरवाओ और काम भी करवाओ। आगे देखिए, एंड आर वी रियली कवर्ड, क्या वास्तव में मेरे खर्चे कवर किए गए, वॉज आई इन एक्चुअली इंश्योर्ड? अब साहब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपसे दो चार सवाल करने वाला हूं, समझ लीजिएगा। कुछ मैं एक मिनट अपने पॉइंट्स पढ़ रहा हूं साहब, इनको कलेक्ट करके फिर आपको बताता हूं। हाँ जी, अब ये देखिए साहब, टेक्निकली होता क्या है, जब आपका इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी मेक्स श्योर कि भाई इस आदमी का ना आने वाले 2-3-4 साल में तो कोई क्लेम आए नहीं हमारे पास, इतने तो आपसे टेस्ट करवा दिए जाते हैं कि उनको ये भरोसा रहे कि आने वाले सालों में जल्दी से क्लेम आने वाला नहीं है, और बाय चांस किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या क्या होता है, या तो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, केस रिजेक्ट नहीं होगा तो जो डिजीज डायग्नोस हुई है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं देंगे, अगर मान लीजिए वो बड़े माइल्ड लेवल पे है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम, जिसको वो राइडर्स बोलते हैं, वो राइडर लगा देंगे। तो सब डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी या तकलीफ किस लेवल पे डायग्नोस हुई है, या कुल मिलाकर कंपनी इस संभावना के ऊपर आपको इंश्योरेंस दे रही है कि कल को क्लेम मांग तो नहीं लेगा, कल को क्लेम मांग तो नहीं लेगा, बोलते कुछ और हैं, मैं दिखाते कुछ और हैं, और होता कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। और आगे चलिए साहब, आपका जो भी इंश्योरेंस एजेंट है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उससे पूछिएगा, यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम ले लेते हैं या कार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम ले लेते हैं तो उनको बोनस नहीं, उनको उनका कमीशंस नहीं मिलते, क्यों? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली They want to create an environment कि हमारे पास business वही आए जिसमें claim ना लिया जाए या कम से कम लेने की जरूरत पड़े। इस बात को जानिएगा, समझिएगा साहब, ये बहुत बड़ा खेल है। मैं आमतौर पे निराशावादी या मीन मेक निकालने वालों में से नहीं हूं, मेरी personality नहीं है, पर मेरा आज का विषय ही ऐसा है कि मैं आपको होता हुआ खेल दिखाऊं और उसका सॉल्यूशन डिलीवर करूं, ठीक है साहब? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, अगर आप क्लेम ले लेते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है, चलिए वो तो जायज है, मान लिया कि नो क्लेम बोनस चला गया,
अगर आप एक से अधिक बार प्रीमियम एक साल क्लेम एक साल में ले लेते हैं तो अगले साल एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। चलिए साहब इसको भी एक मिनट को मान लेते हैं कि ये भी एक इंश्योरेंस का खेल है। अगर इंश्योरेंस के नियम के तहत देखो तो ये बात सुनने में अजीब लगती है, पर हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप बहुत ज्यादा क्लेम लेने लगते हैं तो आपको इंश्योरेंस ही डिनाई कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब साहब, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस बेचती है ये मानकर, ये सोचकर, ये प्लान कर कि आप क्लेम नहीं लेंगे। और हम इसमें सेलिंग पॉइंट क्या बनाते हैं, देखो साहब आपको अगर स्वस्थ रहना है ना तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट भी और इंश्योरेंस कंपनी भी ये दुआ मांगेगा कि ये बीमार ना पड़े, इनको क्लेम ना लेना पड़े। वाओ वाओ, आगे देखिए। मैंने साहब अपने पिताजी से, अपने फादर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मैं कह रही जब से ये पॉलिसी आपने शुरू की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो मेरी नहीं सुनते, ठीक है ना। और मैंने जैसा हमेशा कहा, मेरा काम है तथ्यों को सामने रखना, मानना या ना मानना आपका विवेक है। तो साहब चिराग तले अंधेरा, मेरे फादर ही मेरी राय को नहीं मानते, ठीक है। तो साहब मैंने अपने पिता से एक दिन एक सवाल किया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं कह जब से आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है, ठीक है, आपने आज तक जितने प्रीमियम अमाउंट पे किया है और आपने जितने क्लेम्स लिए हैं और जितने पॉसिबल क्लेम्स इसलिए नहीं लिए कि नो क्लेम बोनस खत्म ना हो जाए, जरा एक बार उन सबका टोटल तो मारो, पता तो चले कि उसमें मैं फायदे में खड़ा हूं कि नुकसान में खड़ा हूं। और मेरी बात पे भरोसा ना हो तो साहब आप करके देखो, देखो जरा आप करके देखो, जब से भी आपकी इंश्योरेंस चल रही है कोई भी घर में, कि आपने कितने प्रीमियम्स उसके भरे, कितना आपने क्लेम लिया, कितने पॉसिबल क्लेम्स को आपने छोड़ा ताकि नो क्लेम बोनस खराब ना हो, तो अब नफा नुकसान बीच में से जरा निकाल के देखो, मुझे समझ आ जाए, मुझे तो समझ आ गया, आपको भी समझ आ जाएगा। तो साहब इसीलिए हिंदुस्तान जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज दौड़ती दौड़ती भागती चली आ रही हैं। इतना मोटा निवेश हो रहा है क्योंकि पैसा दबा के आ रहा है, दबा के, ठीक है। आगे चल दिया साहब, अगली बात करते हैं। आइए साहब अगले इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, लाइफ इंश्योरेंस। अभी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की ना, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं। अब साहब लाइफ इंश्योरेंस का एक बेस्ट सेलिंग पॉइंट है, व्हाट इफ, मान लो अगर कल कुछ हो जाए, आज तुमने पॉलिसी लिया और कल कुछ हो जाए, दुनिया की कौन सी चीज है जो इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी आपको इंश्योरेंस दे देगी। मैं भी मानता हूं साहब, मैं भी मानता हूं, पर ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, ये सेलिंग पॉइंट है नहीं, ये सेलिंग पॉइंट है नहीं। हम और आप जो इंश्योरेंस खरीदते हैं वो इस चीज पर नहीं खरीदते। किस चीज पर खरीदते हैं जरा सोचो, आधा पल आधा मिनट लगाओ और सोचो कि आपको अपनी ली हुई इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे अच्छा फीचर कौन सा याद है। सोचो साहब, मैं बताऊं, मदद करूं आपकी। देखिए कि भाई साहब ये पॉलिसी है, इतने साल की है, मान लो 20 साल की है, 20 साल के बाद
आपको जितने आपने प्रीमियम दिए हैं वो तो सारे वापस मिल जाएंगे, उसके अलावा इतना तो बोनस मिल जाएगा, और जितना टाइम ये पॉलिसी चल रही है उतने टाइम में इतने की आपको इंश्योरेंस मिलती रहेगी, और पॉलिसी के बाद भी इंश्योरेंस चलती रहेगी, ठीक है। और बेस्ट पार्ट भाई साहब 20% की टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88, तब सेक्शन 88 होता था, आजकल 80C चल रहा है, 80C है और शायद 80D हेल्थ इंश्योरेंस का है शायद। भाई साहब व्हाट अ ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट, ओ माय गॉड आई नीड टू गेट इट, कि 1,00,000 की इंश्योरेंस, 1,00,000 का प्रीमियम भरूंगा, 10-20 साल तक मेरी 1,00,000 की इंश्योरेंस भी चलेगी, उसके बाद 3.5 लाख रुपए तो मेरे को वापस ही आ जाएंगे, और उसके बाद भी सारी जिंदगी अगले 10 साल तक मेरी 50,000 की या 1,00,000 की इंश्योरेंस फिर चलती रहेगी। वाओ कितना कमाल का प्रोडक्ट है ना? नहीं है भाई साहब, आ जाओ कहानी पे आ जाओ। देखो साहब सच्चाई ये है, आपने यही सुन सुन के पॉलिसियां खरीदी हैं और मैंने यही कह कह के बेची हैं। आई वॉज परफॉर्मिंग वेल इन एज एन इंश्योरेंस एजेंट। अब साहब देखिए, मेरे डीओ ने कुछ एक इंटरेस्टिंग एक दो मेरे को ट्रिक्स सिखाई थी, आपको सुनाता हूं। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मैथमेटिक्स है, लोग पता नहीं क्यों टेबल्स खोल खोल के प्रीमियम चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं प्रीमियम। मेरे डीओ ने, डीओ जिसको आजकल ज्यादातर कंपनीज में एजेंट मैनेजर्स बोला जाता है, LIC में आज भी डीओ बोलते हैं, उसने मेरे को एक सिंपल फॉर्मूला बताया। देख भाई, एक बंदे की जितने साल की इंश्योरेंस है और जितने साल के जितनी अमाउंट की इंश्योरेंस है, मान लो 1,00,000 की है, और जितने साल के लिए वो इंश्योरेंस लेना चाहता है, मान लीजिए 20 साल के लिए, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20 जो आ जाए उतना प्रीमियम का एक चेक कटवाओ। मान लो जो मैंने अभी अभी जबानी एग्जांपल दिया, इसके केस में 5,000 का एक चेक कटवा, ठीक है, और बंदे को बोल कि भाई साहब ऐसा है, मैं ना आपसे 5,000 का चेक तो ले रहा हूं, एक्चुअल जो प्रीमियम है ना वो थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। एक फॉर्म पे साइन करवा, वहां से उठ, जाते ही पहला काम चेक को डिपॉजिट करा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और धंधा दे रहा, बिजनेस दे रहा, बाकी जो कागज हैं, टेस्ट हैं, क्या सब होते रहेंगे बाद में। पहला काम प्रीमियम को लेकर बैंक ब्रांच में जमा कराओ, बात खत्म। और कितना, जो मैंने आपको बताई दिया, टोटल अमाउंट इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल इंश्योरेंस होनी है, अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, जबानी यूं कैलकुलेट होता है, लोग बेमतलब टेबल खोल खोल के दिखाते रहते हैं। एंड आई सोल्ड इंश्योरेंस लाइक दैट, मैं सब्जेक्ट पे बात करता था, 2-4 मिनट लगाने, उसके बाद चेक लेना, निकल लेना, बस। 10 मिनट से ज्यादा अगर आपको इंश्योरेंस बेचने में लग रहे हैं तो यू आर नॉट एन इंश्योरेंस एजेंट, सिंपल। चलिए तो साहब, अब इस पूरे खेल में खेल हो कहां रहा है, इस चीज को मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करूंगा, जो मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं अगर वीडियो पे भी साथ साथ चल सके, क्योंकि अभी मेरे को उस चीज का टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो मैं डाल सकूं बीच में। तो चलिए साहब, एग्जाम्पल आप जबानी सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल की है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो कि आम जिंदगी पे आराम से लग सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल की है और आप इंश्योरेंस अपने का प्रीमियम जो है 60 साल की अपनी आयु तक, जहां तक कि आप कमाते हैं वहां तक देना चाहते हैं, तो कुल आप 30 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है, और आपको मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं 10,00,000 रुपए की, तो टेक्निकली प्रीमियम कितना होना चाहिए, 10,00,000
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स प्रीमियम टू बी पेड 33,333 रुपए प्रीमियम होना चाहिए। मैं राउंड फिगर में 34,000 का आपसे चेक लूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि भाई साहब अगर इसमें कम हुआ, 34,000 से कम हुआ तो आपको वो पैसा अगले प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएगा, 34,000 से ज़्यादा हुआ तो वो आप मेरे को दे देना, एक और छोटा सा चेक बना देना, उसको हम जमा करा देंगे। ठीक है सर। अब टेक्निकली आपने 10 लाख की इंश्योरेंस के लिए 34,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितनी रकम जमा कराई साहब 30 साल में? 10,20,000। और आपको जो मैं रकम सुनाऊंगा कि पॉसिबली आपको 30 साल के बाद मतलब एट द एज ऑफ 60 मिलेगी, वो है साहब 34,00,000। इसका एक पूरा मैथ्स है, पर वो मेरे को मेरे डीओ ने इतना सब कुछ जबानी करवा रखा था कि मेरे लिए तो यूं था कि यूं करना है। तो साहब आपको एक मिनट में ये समझ आया कि 10,00,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा 10,00,000 और मेरे को मिलेंगे 34,00,000। पर एज एन इंश्योरेंस एजेंट हम यहां रुकते नहीं थे, हम तो यहां से भी आगे खेलते थे। देखो साहब इसमें आपको 24,00,000 तो बोनस ही आ गया, ठीक है जी। फिर पूरे इतने स्पैन में आपकी 10,00,000 की इंश्योरेंस बनी रहेगी, ठीक है जी। अब आपको जो इस पे इतना प्रीमियम देने पे जो टैक्स रिबेट मिलेगी वो है 2,04,000 की, ठीक है। और अगर आप ये प्रीमियम पे नहीं करते तो आपको 10,20,000 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता, तो कुल मिला के आपको जो फायदा हो रहा है वो 46,24,000 का हो रहा है। समझ रहे हो? मैं आपका फोकस 34,00,000 पे या 46,24,000 पे इतना रख दूंगा कि आपको सोए जागे बस यही दो बातें याद रहेंगी, 10,00,000 की इंश्योरेंस जब मैं 60 साल का हूंगा तो 34,00,000 मिलेंगे और फायदा मेरे को इतने का हो रहा है। अब आइए इस चीज का एक बेहतर पक्ष देखने की कोशिश करते हैं। आपको अब ये बात याद रखिएगा कि 34,00,000 रुपया टेंटेटिवली और एज प्रॉमिस्ड इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली है, 10,00,000 की इंश्योरेंस के साथ 10,20,000 का प्रीमियम देने के बाद। ये ध्यान रखिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पर बात कर रहा हूं। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वही 34,000 रुपए आपने इंश्योरेंस में नहीं खर्चे और आपने एक इक्वली गुड या पैरेलल एक और इन्वेस्टमेंट है आपने उसमें कर दिया, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ। आपने पीपीएफ में वही 34,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। 30 साल के बाद साहब उसका मैच्योरिटी अमाउंट मालूम है? जरा गूगल करके देखना, 34,000 रुपया पर ईयर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, पीपीएफ में 30 साल के लिए, तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 40,80,439 रुपए, 40,80,439 रुपीस, अप्रॉक्सीमेटली 7,10,500 रुपए मोर देन व्हाट यू विल गेट फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी। ये साहब मैं तब बता रहा हूं जब दोनों इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिल्कुल पैरेलल हैं, सब बेनिफिट्स इक्वलेंट हैं, कोई बेनिफिट में दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पीपीएफ की तारीफ में और 20 चीजें कह सकता हूं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहां मेरे को ना पीपीएफ बेचना है ना इंश्योरेंस बेचना है, मुझे केवल तथ्य आपके सामने रखने हैं कि यदि आप वही 34,000 का प्रीमियम इंश्योरेंस की बजाय पीपीएफ में डालते हैं तो आपको 30 साल के बाद
7,10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं है साहब, थोड़ा सा एक कदम आगे ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। हम अज्यूम कर लेते हैं, और अज्यूम क्या करना है, ये हकीकत है कि हम 1,50,000 जो हमारे को 80C में रिबेट मिलती है, आज का सेक्शन 80C है ना, 80C में जो हमारे को रिबेट मिलती है, मैं वो पूरा का पूरा, आमतौर पर होता ही है लोग एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी तीसरी पॉलिसी लेके वो 1.5 लाख इंश्योरेंस में सैचुरेट कर देते हैं, मैं वो 1.5 लाख को इंश्योरेंस में सैचुरेट ना करके PPF में 1.5 लाख रुपया डालता हूं। सिंपल, मैं इन्वेस्ट वही 1.5 लाख कर रहा हूं 80C के लिए, पर मैं इंश्योरेंस में ना देकर PPF में डाल रहा हूं। कुछ अंदाजा मेरे साहब कि 30 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगी, गूगल कीजिएगा जरूर, मैं आपको बताता हूं, 1,80,01,939, टू बी इन अ राउंड फिगर्स 1,80,02,000 रुपया PPF देगा, एंड अप्रोक्सीमेटली 29,20,000 रुपया मोर देन व्हाट इंश्योरेंस माइट गिव यू, 29,20,000 मोर देन व्हाट इंश्योरेंस पॉलिसी माइट गिव यू। पर अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं साहब, जल्दबाजी अब मत दिखाइएगा, यहां तक देखा तो इसके आगे समझिएगा। अब साहब मैंने ये मान लिया कि अब ये साहब 1,80,00,000 रुपया मेरे हाथ में आ गया, या इंश्योरेंस का पैसा मेरे हाथ में आ गया, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई उसके बाद ना सारी जिंदगी मेरे को हर महीने इतने पैसे देंगे। तो साहब कभी ये सोचा है 1,80,02,000 रुपए से हर महीने आपके घर कितने पैसे आ सकते हैं, जो वर्तमान हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं इसको एक बेंचमार्क इसलिए मान रहा हूं कि एक्चुअली में हम चाहें तो इससे ऊपर या इससे नीचे भी कमा सकते हैं, पर मैं इसी को एक आधार मान रहा हूं, मिनिमम लेवल, ठीक है। 14,22,150 रुपया, एक्चुअली में 14,22,153 रुपया पर एनम, विच कम्स टू 1,18,513 रुपये हर महीने मेरे घर में बिना 1 रुपया उसके बाद इन्वेस्ट किए, केवल मैंने उसी जुड़े हुए पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया। और यही अगर पैसा मेरे को इंश्योरेंस से वापस आता तो जानते हैं ये उससे कितना अधिक है, करीबन करीबन 20,000 रुपया महीना ये ज्यादा है, अगर मैंने पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट ना करके PPF में इन्वेस्ट किया है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा साहब, हमें खरीदनी होती है इंश्योरेंस, और आपको आपका इंश्योरेंस एजेंट बेच के जाता है इन्वेस्टमेंट प्लान, क्यों आगे बात करता हूं। सबसे पहला कि जो भी ये प्रोडक्ट्स मैं अब रिकमेंड करने वाला हूं, इनमें साहब एजेंट को ठन ठन गोपाल कोई कमीशन नहीं आता, कोई कमीशन नहीं आता बेचारों को। अब आता नहीं तो बेचेगा क्यों बेचारा, वो किस लिए मेहनत करेगा आपके साथ, एक बात। दूसरी बात, हर इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रोडक्ट्स मैंडेटरली रखने पड़ते हैं एज पर दी लॉ, ना तो एजेंट बताता है ना ये प्रमोट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को,
क्यों? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इनको मिलना क्या है, कंपनी को प्रीमियम क्या मिलना है और कंपनी ने उसमें से कमाना क्या है, और एजेंट को तो कुछ मिलना ही नहीं। ठीक है साहब, आगे चलिए। तो अब हमें करना क्या चाहिए? एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न्ड, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, क्या करना चाहिए? समझिएगा साहब मेरी बात को। क्रिएट अ पूल ऑफ फंड्स फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खुद एक पैसे का पूल क्रिएट कीजिए, जिसको हमेशा इसी जरूरत के लिए अलग रखें। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा केवल उसी काम के लिए है, ये नहीं अरे यार तेरे को पता है मेरे पास 50 लाख जुड़ा है, एक मकान खरीद लेते हैं और उसको जिस काम के लिए रखा है ना उसी काम के लिए रहने दो, और अरे 50 लाख की तो एक FD पड़ी है, चल एक कार ही खरीद लेते हैं 10 लाख की। डोंट डू दैट। कीप दैट पूल फॉर दैट वन स्पेसिफिक पर्पस। हाथ मत लगाना उस पैसे को, केवल जोड़ते रहना, वो एक खास काम के लिए है, वो आपकी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में लोग इसीलिए पैसा डालते हैं क्योंकि उनको पता है वो उस टेम्पटेशन से चाहो ना चाहो बच जाते हैं जो कि पैसा सामने होने पर हो सकती है। पर अगर आप उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना जानते हैं, देन इन्वेस्ट इन अ बेटर प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ दैट प्रोडक्ट्स इज PPF अकाउंट। ATC को पूरा सेक्यूरेट करने के लिए साहब 1.5 लाख आज की तारीख में PPF से अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। एंड आई ऑलवेज टेल एनीबडी, डोंट लुक एट दिस मनी एज एन इन्वेस्टमेंट, लुक एट दिस मनी एज एन ओल्ड एज अकाउंट येट जेनरेटिंग अ गुड रिटर्न। मेरी बात को समझिएगा, PPF is an old age account that yet generates some good healthy return. Simple. आगे चलिए साहब। अब साहब जो सबसे जरूरी सवाल है कि मैं अपनी लाइफ को कवर कैसे करूं, अनसर्टेनिटी तो आज भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी तो आज अभी इसी वक्त भी हो सकती है। वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एनीथिंग कैन हैपन, लाइफ इज दैट अनसर्टेन। तो साहब उसके लिए ये समझ के चलिएगा, पानी लेना चाह रहा हूं साहब, एक सेकंड दीजिएगा। उसके लिए साहब समझ के चलिएगा, हर इंश्योरेंस कंपनी एक लो प्रीमियम एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज चलाती है, और आज की तारीख में उसमें सबसे अच्छी पॉलिसीज हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। देखिए साहब, 12 रुपए में आपको रात को ये नींद आ जाती है पूरा साल कि भाई साहब मेरी इंश्योरेंस हुई हुई है। टेक्निकली अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज अपना वादा पूरा करें तो नथिंग एज गुड एज दैट, बट एटलीस्ट विद 12 रुपीज ईयर, और दूसरी पॉलिसी शायद 300 रुपए साल की है, विद 312 रुपीज अ ईयर यू बाय द पीस ऑफ माइंड, जिसके लिए आप लाखों 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 रुपया खर्चते हो अंडर ATC। समझ आ रहा है? ATC के लिए PPF, मन की शांति के लिए ये दो पॉलिसीज। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिएगा, ये मैं कोई प्रधानमंत्री बीमा योजना या नरेंद्र मोदी या कांग्रेस या किसी को बेचने नहीं आया साहब, मेरी बात को समझिएगा। मेरी बात अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप समझदार हैं।
मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप अपने बैंक में जाकर पता कीजिए कि भाई साहब ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है या जो दूसरी पॉलिसी है जीवन सुरक्षा जो है, सुरक्षा बीमा जो है, आप इसका अगर मुझे क्लेम चाहिए तो क्या होगा। तो वो बताएंगे साहब मान लीजिए SBI है तो SBI के पीछे SBI लाइफ खड़ा है, ICICI के पीछे ICICI प्रूडेंशियल खड़ा है जो जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब पीछे जो प्रीमियम अल्टीमेटली कलेक्ट होके जा रहा है वो इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा रहा है, क्लेम्स को सेटल करना इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज का काम है जो जनरल इंश्योरेंस में ऑलरेडी डील कर रही हैं। इट इज जस्ट दैट कि सॉरी मैंने आपसे कहा था लंबा वीडियो होगा तो ये सब दिक्कत आ सकती है जी, कि यहां पर बैंक का काम क्या है। बैंक इज वर्किंग एज एन कलेक्टिंग एजेंट जो कि आपसे प्रीमियम लेकर और इंश्योरेंस कंपनीज को देता है अंडर अ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो मन के सुकून के लिए मेरे साहब ये पॉलिसीज खरीदो, या इस तरह की कोई भी पॉलिसी आप अपने पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री पॉलिसी में ही पैसा लगाना है, आपको इक्विवेलेंट अगर लो प्रीमियम कोई और पॉलिसी मिलती है बाय इट। अगर मेरे को सही याद है तो बड़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऐसा कुछ प्रमोट करती हैं कि 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी मैं बेचा करता था। हम बेचते नहीं थे, हम बेसिकली हम करना क्या होता था कि हमें बंदे को एक्साइट करना होता था, तो हम कहते थे 7 रुपए रोज के ऊपर 10 लाख का इंश्योरेंस कर देंगे। 7 रुपए रोज मतलब वो 7 रुपए रोज उसके दिमाग में अटक जाता था, 10 लाख अटक जाता था, बाकी सब भूल जाता था। 210 रुपए महीना उसको याद रहता था, 10 लाख याद रहता था। एक्चुअली में पॉलिसीज इससे भी सस्ती और भी अवेलेबल है, इससे भी सस्ती अवेलेबल है, क्योंकि 210 रुपए महीने को भी आप लगाओगे तो साल का 2400 बनता है। एक्चुअली में इससे भी कम प्रीमियम पे और बेहतर पॉलिसीज अवेलेबल हैं, बट नॉर्मली इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज डोंट प्रमोट देम बिकॉज दे गेट नथिंग आउट ऑफ इट, और सो नेग्लिजेबल दैट इट डजंट जनरेट अ गुड प्रॉफिट फॉर देम। तो अब प्रधानमंत्री साहब को ये पॉलिसीज प्रमोट करनी थी क्योंकि उनको अपना नाम ऊंचा करना था। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं कि इन प्रोसेस ही हैज डिलीवर्ड अ चीप प्रोडक्ट एंड अ गुड प्रोडक्ट टू एवरीबॉडी इन इंडिया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है साहब। तो कुल मिला के साहब कहानी ये है कि अपने आप को कवर करने के लिए पूल ऑफ फंड्स क्रिएट कीजिए, सेक्शन 80C को कवर करने के लिए PPF को यूज कीजिए, और सुकून से सोने के लिए दैट आई एम इंश्योर्ड बाय दीज काइंड ऑफ लो प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसीज which exist with every insurance company but they seldom promote them। यहां तक की चर्चा आज की बात हुई। अगला एक मेरा वीडियो जो कि ऑलरेडी 25 नवंबर 2020 में आना था, मैं इमीडिएटली उसको पब्लिश कर रहा हूं ताकि आप में से बहुत से लोग, ज्यादातर लोग इस बात को भी समझ पाए कि पैसे को, आते पैसे को, इनकम्स को कैसे जोड़ना, सेव करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो साहब आशा करता हूं आज के वीडियो से और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उससे आप कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, आपके जीवन में कुछ रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव आएगा जो आपके जीवन को पहले से बेहतर करेगा। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया है, इसी विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात को विश्राम दे रहा हूं।
जल्द मिलेंगे संवाद की किसी और कड़ी में किसी और नई अच्छी चर्चा के साथ। प्रेम भाव बनाकर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। एक चीज और, कोई सुझाव हो तो साहब भेजते रहिएगा, आपके सुझावों को सुना जाएगा, माना जाएगा, अपनाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, हटके इसलिए साहब कि इस बारे में ना हमें गाली देने वाले तो सौ हैं पर समझाने वाला एक भी नहीं, ठीक है ना। तो आज संजय गुलाटी मुसाफिर समझाने का एक प्रयास कर रहा है, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या है साहब, इस टॉपिक की, फंड्स मैनेजमेंट की आज ज़रूरत क्यों है, कि जो साहब यंग ब्लड हो ना तुम, आजकल के कमाते हो तो तुम लाखों में हो, लाखों मतलब जो टेक होम जिसको तुम बोलते हो, लाखों में कमाते हो, और सात तारीख आती है तो सब पैसा तुम्हारा साफ। क्या हुआ जी, वो ईएमआई में चला गया, ठीक है, और ईएमआई से तो पैसा निकल गया है जी, इधर जाना था वो जाना था, और उसके बाद अब क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहे हैं। तो साहब आज जरा खुल के सामने आओ, समझो मेरी बातों को। अब साहब सबसे पहले ना ये क्रेडिट कार्ड को समझ लो। अगर आप क्रेडिट कार्ड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले हो तो ये बड़े काम का है, औजार की तरह, पर अगर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले हो तो बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तरीके से इस्तेमाल करो, उसके मीन्स के अंदर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर इस्तेमाल करो, बहुत ही काम का औजार है ये सब, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब हम अपने साधनों से बढ़कर लगे रहते हैं क्रेडिट कार्ड में स्वाइप कराने, और फिर एक चक्कर में फंस लेते हैं, वो गलती है, सिंपल। अब जरूरी सवाल अगला, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट। कोई फॉर्मूला नहीं है साहब इसका, कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसका एक फॉर्मूला बिल्कुल पक्का है साहब। मैं इंश्योरेंस एजेंट रहा हूं कुछ साल के लिए, LIC में था, और मेरे थैंक्स, देखिए साहब कभी कभी ना जो चीज, जो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता ना तब उसकी कीमत समझ आती है। तो साहब जो मेरे डीओ थे ना साहब, उन्होंने बड़ी काम की कुछ चीज़ें सिखाई, उसमें से एक गुरु मंत्र ये भी था, द 20% ऑफ माई अर्निंग शुड गो टूवर्ड्स एन ओल्ड एज अकाउंट, जिसको कि मैं ता उम्र हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ बुढ़ापे के लिए है, और अगर मर गया तो मेरे बच्चों के लिए है, बस उसको ता उम्र हाथ नहीं लगाऊंगा, वो सिर्फ बुढ़ापे के लिए है, ठीक है। अगली चीज, स्टार्ट अर्ली इन योर करियर। एक कहानी सुनाता हूँ साहब, मेरे फादर साहब हॉस्पिटलाइज थे, 1992 की ये बात है, उन दिनों मैं अपने मामा जी के पास जॉब करता था, 1000 रुपया महीना मेरे को तनख्वाह मिलती थी साहब, जॉब कर रहा था, 1000 रुपया महीना मेरी तनख्वाह थी। तो साहब वो उनके मेरे फादर के मित्र हैं, नागपाल साहब उनका नाम था, शरीर छोड़ गया, वो आए, उन्होंने पूछा बेटे क्या कर रहा है, मैं कहा जी काम, नौकरी कर रहा हूँ मामा के पास। क्या कमा रहा है, मैं कहा जी 1000 रुपये महीना, कितना टाइम हो गया, मैं कहा जी 10-11 महीने हो गए, कहते ला 1000 रुपये दे मेरे को। मैंने अपना पर्स निकाला, पर्स में से 1000 रुपये दिए, उनको दे दिए जुड़े हुए पैसों में से, और मेरे से एक ही बात बोले, पुत्र तू कामयाब है, पैसे को हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, क्या पुत्र तू कामयाब है। मोटी मोटी सी साहब कहानी, उन्होंने मेरे को 2 मिनट की, 1.5 मिनट की कन्वर्सेशन में समझा दिया कि 10% तो जोड़ना ही जोड़ना है, और मैं आपसे 20% की बात कर रहा हूँ। आगे चलो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अब उसकी बात कर लो। मेरी बात का सब बुरा मानना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर अगर हमें ये फर्क नहीं पता कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है,
हम लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट का टूल बनाकर बैठे हुए हैं साहब। इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, इंश्योरेंस को अलग रखो, दोनों को मिक्स मत करो। इंश्योरेंस क्या है? मेरे को अपनी लाइफ, अपनी बीमारी को इंश्योर करना है तो जनरल हेल्थ लो ना साहब। हम इतने लेंगे, इतने साल बाद इतने पैसे बढ़ जाएंगे, वो इंश्योरेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किसी और अच्छी जगह पर करो, सिंपल। अब अगली चीज, अपने फंड्स को साहब अलग अलग हिस्सों में बांटो, अलग अलग हिस्सों में बांटो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फंड्स मतलब अपनी कमाई को, और उसमें से एक हिस्सा मस्ती के लिए, ट्रेवल के लिए रखो, एक हिस्सा इंश्योरेंस के लिए, जोड़ते रहो ना आप साहब। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, मेरे फादर साहब ने 2 लाख की इंश्योरेंस कराई है। जब समझाता हूँ वो समझते नहीं, दिमाग कान सब बंद कर देते हैं अपने पर। समझो, आप 5-7 साल भी अगर जी लेते हो तो अपने ज़रा इंश्योरेंस के पैसे को मल्टीप्लाई करके देखना कि आपने जितने की इंश्योरेंस कराई है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप इंश्योरेंस वालों को सारी ज़िंदगी में भर देते हो। आप जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो ना साहब, उसी चीज़ को जोड़ते चलो, एक FD एक डिपॉजिट के रूप में आप इंश्योरेंस से बड़ा पूल अपने लिए क्रिएट कर लोगे। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एक ही सेलिंग पॉइंट है, अगर आज मौत हो गई तो फिर क्या होगा भाई, उसका एक ही जवाब है, जनरल इंश्योरेंस ले लो ना। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना साहब, उसके लिए एक पूल क्रिएट करो, सिंपल। ठीक है, तो हम पैसों के पूल की बात कर रहे थे, एक इंश्योरेंस का पूल हो गया, दूसरा एक ट्रेवल के लिए कि साल में या 6 महीने में मैं इस पैसे को केवल खर्च के आऊंगा। रिजुविनेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज वर्किंग। अपने शरीर को, बैटरी को भी फोन को रिचार्ज मारते हो ना 1 या 2 दिन के बाद, ठीक है ना, तो शरीर को भी रिचार्ज करने के लिए फन, ट्रेवल, मस्ती, रेस्टोरेंट सब चाहिए, तो उसके लिए भी एक पैसा पूल किया करो। ठीक है, याद रहेगा। अगली बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी हमेशा एक पूल रखो, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी एक पूल हमेशा बना के। अगला, एक अपना लॉन्ग टर्म गोल बना के रखो कि एक मकान बनाऊंगा, एक सेकेंड इनकम क्रिएट करूंगा। अब ये एक बच्चे को लो साहब, ये 2 एग्जाम्पल 2 मिनट के अंदर अंदर बोलने वाला हूँ, बहुत क्विक, 2 मिनट तो वैसे ही पूरे बच्चे हैं मेरे पास, पर जल्दी जल्दी बोलने वाला हूँ। पहला बच्चा, ये जब जॉब करने लगा, जिस दिन इसकी पहली सैलरी आई, मैंने कहा लड़के तू अपने मकान की तैयारी कर ले। 2 साल हो गए साहब, आज 2 साल हो गए, और इसको अभी मैंने हफ्ता एक पहले भी ना, आज 11 सितंबर को रात को 4:24 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने इसको याद कराया। मैं कहा तू अगर 2 साल पहले शुरू हो गया होता ना, तो आज इतनी किस्तें तेरी भरी जा चुकी होती, एक मकान नहीं अपना बना रहा। अब दूसरा केस लो, इस बच्चे को भी मैंने जॉब शुरू करते ही कहा भैया मकान की तैयारी कर ले, और इसने अपनी नौकरी के पहले साल के अंदर अंदर ही मकान बना दिया, किस्तें भरता रहेगा। पॉइंट समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब समझने की चीज ये है साहब कि हमने अपने पैसे को या अपनी लाइफ की अप्रोच क्या रखी है। पहली अप्रोच है कि हम आज तो लग्जरीज को अपनी पूरा कर लें, कल को कल देखेंगे, और दूसरा आज वो साधन क्रिएट कर लें जिससे बाकी की सारी जिंदगी एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। और आज की अपनी बात को मैं एक महान व्यक्ति, शायद उनका नाम वॉरेन बफे है, उनकी बात से कंक्लूड कर रहा हूँ। जिसको समझना है वो इतनी सी एक बात में सब कुछ समझ लेगा। डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड
व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो साहब आशा करता हूँ आज की बात, आज की चर्चा से आप लोग, मैं कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, निकाला होगा जो हमारे जीवन में सुंदर रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव लेकर आएगा, हमारा जीवन पहले से सुंदर पहले से बेहतर बनेगा। इसी विचार इसी विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात को विश्राम दे रहा हूँ। संवाद जारी रहेगा, चर्चाएं जारी रहेंगी, जल्द मिलेंगे अगली किसी कड़ी में किसी नई चर्चा के साथ। प्रेम भाव बनाकर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।